गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो मैं याद दिला दूं कि हम चैप्टर 9 पे हैं क्लास 12th के, और हम अभी एनिमल ब्रीडिंग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियोस में गाइस हम कवर करेंगे प्लांट ब्रीडिंग। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, एक बार आपको याद दिला दूं कि आप रिव्यूज देना नहीं भूलिए। आपके रिव्यूज आने बहुत जरूरी है सो दैट मैं उस हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकूं वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि हमें अभी, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, तो मे बी किसी और टॉपिक को कवर करना है इसके साथ, तो वो भी जरूर बताइए, तो मैं एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, बट वैसे हम एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं और एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। ठीक है, और साइमल्टेनियसली हम क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा जरूर गाइज अगर आपके पास कोई भी ऐसा फीडबैक होगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग से। बेसिकली आई होप आपने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, एक ऐसा टाइम था जब हमने प्लांट्स की वैरायटीज रेवोल्यूशनाइज करी थी, है ना। उसके आगे में बारे में आगे भी देखेंगे। सो बेसिकली गाइस, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो किस पर डिपेंडेंट था? वो डिपेंडेंट था हमारे जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है ना उनके ऊपर। और अगेन अगर हम एम की बात करें, अगर हम बात करें कि अगेन जैसे एनिमल ब्रीडिंग का एक एम था ना, उसका एम क्या था कि अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स ब्रीड करना, हाई यील्डिंग एनिमल्स ब्रीड करना, वैसे यहाँ पर एम क्या होगा? यहाँ पर भी एम ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हाई यील्ड चाहिए, है ना। यहाँ पर और क्या चाहिए? डिजीज रेसिस्टेंट चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए, है ना। और क्या चाहिए? मे बी पेस्ट्स बहुत सारे होते हैं प्लांट्स के केस में, तो पेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं ना कि मतलब एम तो ऑलमोस्ट सेम ही है, डिपेंडिंग अपॉन कि एनिमल्स और प्लांट्स में जो भी डिफरेंसेस हैं, पेस्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं प्लांट्स के केस में, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एम है वो तो सेम है कि हमें हाई यील्ड और इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग है क्या? बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जानते हुए, है ना, हम पर्पसफुल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मतलब कि हमें पता है कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे हाइब्रिड्स बना रहे हैं प्लांट्स के जिनसे हमें ज्यादा यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स मिल सके। ठीक है, अब क्या क्या होता है बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग में? तो प्लांट ब्रीडिंग में आप क्या करते हैं कि क्रॉस कर देते हैं या हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी ऑफ प्योर लाइंस बनाते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं उनको आर्टिफिशियली, और उसके बाद उसको जो है चेक करते हैं और उसको आगे जो है कमर्शलाइज कर देते हैं टेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट स्टेप्स क्या होंगे प्लांट ब्रीडिंग के, पहला तो स्टेप होगा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? किस टाइप की वेरिएबिलिटी? वेरिएबिलिटी की जगह आप डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जेनेटिक वेरिएबिलिटी। आप ये देखिएगा इसके, हमारा जो एनिमल ब्रीडिंग भी था वो किस पर डिपेंडेंट था? कि कैसे जीन्स हैं, क्योंकि जीन्स से ही तो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आते हैं, है ना। तो जो आपका जीनोटाइप है वो अगर अच्छा है तो फिनोटाइप अच्छा होगा। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है देखते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो है क्रॉप्स में जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है उनके वाइल्ड फॉर्म्स में, जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं क्रॉप के उनमें। तो हम क्या करते हैं कि प्लांट्स और सीड्स, ये सारे वैरायटी के जो उस प्लांट के स्पीशीज होंगे, जो उसके वाइल्ड रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस सब को जो है इकट्ठा कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, अब जब हम इन सारे टाइप्स के, ठीक है, जब हम इन सारे टाइप्स के प्लांट और सीड्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ये क्या है? ऐसे प्लांट्स और सीड्स को इकट्ठा करना जिनमें सारे टाइप के अलील्स हैं सारे जीन्स के। ठीक है, तो ये क्या है? इंटायर कलेक्शन। ये क्या है? इंटायर कलेक्शन किस चीज का? प्लांट्स या फिर सीड्स, और इनमें क्या है? हैविंग
ऑल डाइवर्स, हर तरीके के अलील्स हैं हर जीन्स के, है ना, फॉर ऑल जीन्स, किसी भी एक क्रॉप के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जितनी भी डाइवर्स तरीके के क्रॉप्स होंगे उस स्पीशीज को, उस सबको इकट्ठा कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, तो पहले क्या हमने बना किया, अपना एक कलेक्शन बना लिया। इसके बाद क्या करा, इस कलेक्शन को इवैल्यूएट करा, और इसमें से जो बेस्ट हमें वैरायटी मिलेगी पेरेंट्स की, उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो हमने क्या करा, इस जर्म प्लाज्म को इवैल्यूएट करा और देखा कि कौन कौन से ऐसे जो है वैरायटीज हैं इनमें से, जिनको हाइब्रिड करें तो हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्योर लाइन क्रिएट करा जहां पर भी डिजायरेबल और पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा। तो हमने जो पेरेंट सिलेक्ट करे हैं, अब जो हमारा कलेक्शन है उसमें से, जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है उसमें से, ठीक है, उनको हमने क्रॉस हाइब्रिड कर दिया, उनको हमने हाइब्रिड, उसका हाइब्रिड बनाया उससे क्रॉस करके। ठीक है, और हमने क्या करा, जेनेटिकली कंबाइन कर दिया दो प्लांट्स को, और हमारे जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए थे वो एक प्लांट में मिल गई। तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि हमने दो बेस्ट पेरेंट तो चूज कर लिए, बट हमें उन दोनों के ऐसे क्वालिटीज जिसकी जरूरत है वो एक प्लांट में चाहिए। तो हमने क्या करा, दोनों को क्रॉस करके, ठीक है, दोनों से एक जो है हाइब्रिड निकाल लिया, प्रोजेनी जो है ना। अभी इतना इजी नहीं होता है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि एक मेल प्लांट चूज करा है, उसका पॉलन निकाल रहे हैं, उसके पॉलन को जो फीमेल प्लांट पेरेंट चूज करा है उसके स्टिग्मा पे रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि वो जर्मिनेट हो, जर्मिनेट होगा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी आपको नहीं पता है, तो बहुत ही टीडियस और लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, अब एक बार लेकिन आपका हाइब्रिड प्रोजेनी मान लो बन गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का है। ठीक है, तो बहुत सारी हमने से हाइब्रिड प्रोजेनी बना ली, इसमें से देखेंगे अब जो हमें कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन चाहिए थे उस, वो बेस्ट किस प्रोजेनी में है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक प्रोजेनी बनाकर छोड़ देते हैं, बहुत सारे उसमें भी बनाते हैं। अब मान लो उसमें से सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये बेस्ट प्रोजेनी है जिसमें हमारे सारे डिजायर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, अब वो मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सेल्फ पॉलिनेट करते हैं बहुत सारे जनरेशन तक। ठीक है, तब तक सेल्फ पॉलिनेट करते रहते हैं जब तक कि जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो सेग्रीगेट ना हो किसी भी हालत में, मतलब कि बेसिकली हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, हम होमोजाइगोसिटी चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेम ये टेक्निक गाइस अगर आपको याद होगा तो एनिमल ब्रीडिंग में भी होती है। हम क्या करते हैं कि जो हमें हाइब्रिड मिला उसको 4 to 6 जनरेशन तक रिप्रोड्यूस करवाते रहते हैं, है ना, क्यों, सो दैट हमें प्योर लाइन मिले अपने हिसाब से जिसमें सारे कैरेक्टर्स हों, कोई भी कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो रहा। ठीक है, अब वो मिलने के बाद क्या करते हैं, हम उसको टेस्ट करके रिलीज कर देते हैं और कमर्शियलाइज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, तो अब हमें पहले जो मिल गई लाइन, ठीक है, उसमें सारे हमारे हिसाब से ट्रेट्स हैं, उसको क्वालिटी चेक करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चेक करते हैं। कैसे करते हैं, पहले अपने रिसर्च फील्ड एक होती है उसमें ग्रो करते हैं। ठीक है, उसमें ग्रो करके उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है। अब अगेन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि प्लांट्स ग्रो करने में और उससे जो यील्ड निकलनी है वो निकलने में तो साइकिल होती है पूरी प्लांट्स की भी, ऐसा तो नहीं है आज ग्रो करा और कल जो है आपको फ्रूट्स मिल गए, है ना। तो जो है उसको इवेल्युएट करते हैं किसके अगेंस्ट, कौन से फर्टिलाइजर्स उसमें जाने चाहिए, कैसे इरिगेशन उसका कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट उस क्रॉप की कैसे होनी है, वो सब इवैल्यूएट करते हैं। एक बार वो इवैल्यूएट कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको रिसर्च फील्ड से निकाल कर फार्मर के फील्ड में चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है फार्मर के फील्ड में जो आपका कंडीशन है, जो क्लाइमेट है, जो सॉइल टाइप है, वो बहुत अलग हो, है ना। तो फिर कंट्री के अलग अलग लोकेशन चूज करते हैं और अलग अलग लोकेशन पे फार्मर्स की फील्ड में ग्रो करके देखते हैं कि
कि वहां पर क्या सब कुछ सेम ही चाहिए, क्या कुछ अलग चाहिए, अलग टाइप के फर्टिलाइजर, अलग टाइप का इरिगेशन, अलग टाइप का क्रॉप मैनेजमेंट। जब ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम उसको भी कमर्शियलाइज कर देते हैं, तो हम उसको सारे फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब इंडिया में गाइस 1960s के टाइम पर पहली बार बहुत सारे ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटीज वीट और राइस के डेवलप किए गए थे। ठीक है, और इससे ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ था फूड प्रोडक्शन। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये है, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाना। हमने क्या करा, राइस और वीट की बहुत, क्योंकि राइस और वीट स्टेपल क्रॉप्स है ना, तो उनकी जो है वैरायटी बनाई, हाई यील्डिंग क्रॉप्स की वैरायटी बनाई और उसको फिर दे दिया फार्मर्स को, और हमारी यील्ड बहुत बढ़ गई। तो बेसिकली 1960 से 2000 के बीच में अगर हम बात करें तो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया वीट का प्रोडक्शन, और 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन हो गया राइस का प्रोडक्शन। ठीक है, हमने क्या करा था कि जो है सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वीट और राइस की बनाई थी। ठीक है, और कैसे बनाई थी, तो बेसिकली आपका जो है एक तो फिलीपींस और दूसरा ताइवान, दो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से डिराइव करी हमने सेमी ड्वार्फ राइस की। ठीक है, और इसको फिर ग्रो करा और डेवलप करा इंडिया में। ठीक है, अपने हिसाब से। वैसे ही गाइस अब शुगर केन के केस में हुआ, तो शुगर केन का एक स्पीशीज होता है सैकरम बारबेरी, ये होता है नॉर्थ इंडिया में। बस इसमें जो शुगर कंटेंट और यील्ड होती है ना, वो काफी पुअर होती है। अब दूसरी वैरायटी होती है सैकरम ऑफिशिनरम, ये जो है ये साउथ इंडिया में होता है। ये इसमें क्या होता है कि आपका जो शुगर कंटेंट और यील्ड है, ठीक है, तो स्टेम्स इसके थिक होते हैं और शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि ये नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर सकता, तो ये ग्रो ही नहीं कर सकता नॉर्थ इंडिया में। तो हमने क्या करा, दोनों स्पीशीज को उठाया, क्रॉस करा सक्सेसफुली और एक ऐसा हाइब्रिड बनाया जिसमें थिक स्टेम है, शुगर क्वांटिटी हाई है, हाई शुगर है, और ये नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो करता है, और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नॉर्थ इंडिया में, है ना। इसी तरीके से मिलेट्स में भी हमने करा कि हमने जो है सक्सेसफुली हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारे बनाए, है ना। तो बेसिकली ये जो है वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है, हाई यील्डिंग वैरायटीज है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या क्या तरीके से हमने ग्रो करा। वैसे ही हमने डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट ब्रीड करा। ठीक है, अब बेसिकली गाइस अगर डिजीज की हम बात करें तो प्लांट में ना बहुत सारे तरीके के फंगल, बैक्टीरियल, वायरल पैथोजेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके क्रॉप को खा जाते हैं बेसिकली। ठीक है, पूरा डिजीज फैलाकर क्रॉप को खत्म कर देते हैं। अब आप सोचो कि 20-30% से लेके 100% तक लॉस हो सकता है, मतलब पूरा जो आपकी फसल है वही खत्म हो गई, है ना। तो कितना बड़ा लॉस है और कितना बड़ा थ्रेट है। तो हमने क्या करा कि हमने ऐसे प्लांट हाइब्रिड करे जो कि रेजिस्टेंट हैं डिजीजेस से। कैसे करा, मेथड्स क्या हैं, अगेन हमें इसमें जीन्स इन्वॉल्व करने होंगे। तो एक तो आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा, जैसे कि हमने क्रॉप का यील्ड बढ़ाया। ठीक है, तो एक मेथड तो वही हो गया, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। तो हमने क्या करा, जर्म प्लाज्म इस केस में देखा क्या है, स्क्रीन करा, फिर उनमें से सिलेक्ट करा पेरेंट्स को, हाइब्रिडाइज कर दिया, फिर उनको उनमें से हाइब्रिड सिलेक्ट करे बेस्ट वाले को लेकर, उसको हमने फिर जो है कई जनरेशन तक कई बार क्रॉस करवाते रहे। जब हमें ट्रू ब्रीड मिल गया तो उसको जो है टेस्ट करके रिलीज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको वैरायटीज स्टेबल में मिलेंगे वीट, ब्रासिका, कॉलीफ्लावर, काउपी और चिली के। ठीक है, आप देख रहे हैं डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं और वैरायटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एक तो ये कन्वेंशनल तरीका हो गया हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन का। दूसरा इस केस में होता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करके हम जो है उसको डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए वो हम म्यूटेशंस के थ्रू ला सकते हैं। ठीक है,
अब म्यूटेशन करेंगे कैसे, और म्यूटेशन क्या है वो तो आपको पता होगा, बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन होता है जो चेंज कर देता है बेस सीक्वेंस को, ठीक है, ऐसी चीजें जो बेस सीक्वेंस चेंज कर देती हैं और उसके वजह से नया कैरेक्टर या ट्रेट डेवलप हो जाता है और वो हेल्प करता है डिजीज रेजिस्टेंट बनाने में, ठीक है। अब ये केमिकल से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, इस टाइप की ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। जैसे कि मूंग की दाल में येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, की अगेंस्ट जो है म्यूटेशन से ही रेजिस्टेंट डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, तो ये तो हो गया आपका डिजीज रेजिस्टेंट। अब गाइस प्लांट्स के केस में क्या होता है ना कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है इंसेक्ट्स से भी, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं और वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर ही अपनी डाइट के लिए, ठीक है, तो अटैक करते हैं और वो भी जो है पूरा पूरा क्रॉप नुकसान कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगेन क्या होता है कि जो है ब्रीडिंग मेथड्स सेम है जैसे हमने अभी डिजीज रेजिस्टेंस में पढ़े, ठीक है। अब वो म्यूटेशन से भी हो सकते हैं और वो आपका जो कन्वेंशनल मेथड है हाइब्रिडाइजेशन अनसेलेक्शन वाला उससे भी हो सकते हैं। आप कल्टीवेट करो और उसके बाद से ऐसे हाइब्रिड्स ले आओ जिन पे पेस्ट्स का कोई असर ना हो, जो जिन पे पेस्ट्स जाए ही ना किसी रीजन से, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्रैसिका बीन, फ्लैट बीन या भिंडी, ओकरा के केस में इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं जैसे कि एफिड्स हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट वैरायटी डेवलप कर दी, है ना। अब वैसे ही गाइस जैसे हमने डिजीज या फिर पेस्ट के अगेंस्ट करा, वैसे ही हम फूड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, याद रखिएगा फूड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी जो है प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है, अब जैसे कि आपको ऐसे प्लांट्स चाहिए जो कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स या हेल्दियर फैट्स ऑयल्स में जो है रिच हो, ठीक है, वो लाने के लिए भी हम क्रॉप की ब्रीडिंग करते हैं। इसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि बेसिकली इम्प्रूव कर देते हैं हम पब्लिक हेल्थ। तो होता क्या है ना गाइस कि बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे डाइट जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, वो बेसिक स्टेपल फूड जो है वही अफोर्ड कर सकते हैं, बट अगर आप उसमें ही न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उनको सस्ते में न्यूट्रिशन दे रहे हैं, है ना, उनको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे बट उनको जितने भी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिंस हैं, आयोडीन है, जिंक है, ये सब कुछ मिल जाएगा और इससे उनकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो बेसिकली बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो है ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, है ना, और ये पब्लिक हेल्थ आपका इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव हो गया इसमें, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी बढ़ाना, विटामिन कंटेंट बढ़ा देना, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट बढ़ा देना, है ना। तो गाइस इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, इन 2000 जो है हम क्या ले आए, मेज के हाइब्रिड, क्या ले आए, मेज के हाइब्रिड, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि अमाइनो एसिड ट्वाइस हो गए, कौन से अमाइनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये दोनों जो है डबल हो गए, ठीक है। तो अब क्या है, नॉर्मल मेज जो से ही लोगों को जो है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, है ना, और हमने पढ़ा ही था कि बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो आपको बाहर से ही मिलते हैं, आपकी बॉडी नहीं बना सकती है, तो वो तो आपको चाहिए होगा, अगर आप बहुत महंगा खाना नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो हम बेसिक क्रॉप्स में लेकर आएंगे वो, है ना, मोटिव तो यही था। दूसरे आपको बहुत सारे ऐसे राइस के वैरायटीज में गाइस विटामिंस मिलेंगे, विटामिन ए मिलेगा, है ना। तो वैसे बहुत सारे हमने जो है क्रॉप्स बनाने शुरू करे जो कि अल्टीमेटली सस्ते में, कम प्राइस में पब्लिक हेल्थ बेटर कर रही है। सो गाइस विद दिस वी हैव फिनिश्ड प्लांट ब्रीडिंग, है ना, हमने खत्म कर दिया प्लांट ब्रीडिंग भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और जरूर शेयर करो फ्रेंड्स के साथ,
और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप एक बार जाकर एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद वापस आइए वीडियो पे और मुझे अपने डाउट्स बताइए कमेंट में और मैं आंसर करूंगी। और गाइस अगर आपको कमेंट करने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाउट्स भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मुझे बताइए जरूर कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं सो दैट मैं ये आपके हिसाब से इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।